नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज चयन बोर्ड में टीजीटी बायोलॉजी और कई अन्य मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन था। बहुत सारे अभ्यर्थी आज चयन बोर्ड पहुंचे हुए थे। तो दोस्तों एक गुड न्यूज निकल कर आ रही है। आप लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन आज जारी कर दिया, लेकिन बायोलॉजी को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, बायोलॉजी वालों को टीजीटी भर्ती से बाहर रखा गया है। तो दोस्तों गुड न्यूज ये है कि चयन बोर्ड ने आश्वासन दिया है कि बायोलॉजी वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये एक बड़ी अपडेट है। यहाँ पर आप लोग कुछ फोटोज दे सकते हैं। बैनर तले यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंचे थे। विकी खान की अगुवाई में प्रतियोगी मोर्चा के छात्र भी पहुंचे थे। और बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसको बाहर नहीं किया जा सकता, इन सब मांगों को लेकर के आज छात्र उपस्थित हुए थे। बहुत सारे छात्र यहाँ पर थे। तो दोस्तों आज का जो धरना प्रदर्शन एक तरीके से कह सकते हैं सफल रहा है, क्योंकि चयन बोर्ड ने आश्वासन दिया कि बायोलॉजी को शामिल किया जाएगा। अब पूरी बात क्या मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सारी बात स्पष्ट रूप से यहाँ पर निकल के आ चुकी है। आप लोग देख सकते हैं यह प्रेस विज्ञप्ति लिखा है, आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों ने नए विज्ञापन में जीव विज्ञान को सम्मिलित करने के लिए जीव विज्ञान वर्ष 2016 की लिखित परीक्षा की घोषणा करने के लिए जीव विज्ञान 2011 का रिजल्ट जारी करवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। लगभग 1 बजे 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें विक्की खान, मनीष कुमार, राज यादव, आनंद यादव, राजबहादुर सिंह, शिव कुमार पटेल, शैलेश कुमार, अनु वर्मा, जितेंद्र कुमार ने डिप्टी सचिव नवल किशोर जी से वार्ता किया। ठीक है, अब जब वार्ता हुई तो उसमें सचिव साहब ने यह आश्वासन दिया है कि टीजीटी जीव विज्ञान विषय को नए विज्ञापन में शामिल किया जाएगा। टीजीटी जीव विज्ञान वर्ष 2016 की परीक्षा भी करवाई जाएगी और टीजीटी जीव विज्ञान का 2011 का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। तो आखिर कब होगा? विज्ञापन तो जारी हो गया, तो इन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताई है। आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि इन सब से संबंधित विज्ञप्ति जो है चयन बोर्ड द्वारा 5 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। चयन बोर्ड ने 5 नवंबर तक का टाइम दिया कि 5 नवंबर तक आप लोग इंतजार करें, बायोलॉजी को 2020 भर्ती में शामिल किया जाएगा और इसके लिए अलग से एक नोटिस जारी की जाएगी। 5 नवंबर तक ये नोटिस जारी कर दी जाएगी और इसमें ही बायोलॉजी वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताई गई है कि भले इस भर्ती विज्ञापन में नहीं आया है बायोलॉजी, लेकिन 5 नवंबर तक आप लोग इंतजार करें, उस पर निर्णय ले लिया जाएगा और उसके बाद जैसा कुछ होगा अपडेट वो 5 नवंबर तक आप लोगों को बता दिया जाएगा। संभावना यही है कि इसमें टीजीटी बायोलॉजी को मौका दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं काफ़ी दिनों से चयन बोर्ड ये कहता आ रहा है कि हम बायोलॉजी के मौका देंगे, लेकिन पिछली बार अभी हाल ही में पड़ोसी कल ही ने यह बताया था कि विज्ञापन में मौका नहीं दे रहे हैं। तो विज्ञापन में तो शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उस पर कहने का मतलब ये है कि कुछ कमेटी वगैरह बनाई गई है शासन से जो कुछ भी है, उस पर निर्णय आने के बाद अलग से विज्ञप्ति जारी करके बायोलॉजी का मौका यहाँ पर दिया जाएगा। नीचे छात्रों ने यहाँ पर लिखा है कि अभी आप सभी प्रतियोगी छात्र भाई बहनों को बताना चाहूँगा कि आज के जबरदस्त आंदोलन से चयन बोर्ड ने नया विज्ञापन भी जारी कर दिया और जीव विज्ञान को 5 नवंबर तक विज्ञप्ति के द्वारा सम्मिलित करने का आश्वासन भी दे दिया। प्रतियोगी मोर्चा प्रदेश संयोजक विक्की खान ने कहा है कि चयन बोर्ड ने आज नया विज्ञापन जारी कर दिया, इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई, लेकिन जीव विज्ञान को नए विज्ञापन में सम्मिलित कराने का जो आश्वासन चयन बोर्ड ने दिया है और उसकी विज्ञप्ति 5 नवंबर को जारी करने का जो आश्वासन दिया है, अगर वो आश्वासन पूरा नहीं होता तो 6 नवंबर से हम फिर से प्रतियोगी छात्र भाई बहन जो है आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि भले आज से आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन 5 नवंबर को जब विज्ञप्ति जारी होगी उसके बाद आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती की पूरी अपडेट दी जाती है। धन्यवाद।